ये ईमान का तकाजा है कि ईमान वाला शिर्क नहीं करेगा। अज्म होता है उसका, इरादा होता है, ऐलान होता है, और हमारा रास्ता वाज़ह है। यही तो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुभानल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन। तो ये है तौहीद को समझना, कि तौहीद को समझते ही बंदा शिर्क का इनकारी हो जाता है और शिर्क से दूर हो जाता है। और इसको बाज अहले इल्म ने यह भी कहा कि जो कुरान पाक के जरिए ईमान लाते हैं, कुरान पाक सुन के ईमान लाते हैं, कुरान पाक पढ़ के ईमान लाते हैं, कुरान पाक समझ के ईमान लाते हैं, जिनका ताल्लुक कुरान पाक से होता है, वो तौहीद में ज्यादा पक्के होते हैं, वो शिर्क से ज्यादा नफरत करने वाले होते हैं। इसके बरखिलाफ जो लोग सिर्फ माँ बाप के वजह से कि इस खानदान में पैदा हो गए इसलिए मुसलमान है, सुनी सुनाई बातों की वजह से मुसलमान है, तकलीद की वजह से मुसलमान है, और कोई सबब बना उनके इस्लाम का, कुरान के जरिए से, कुरान से ताल्लुक जुड़ के जिनका ईमान नहीं आया है, उनके अंदर शिर्क की वो नफरत नहीं आती है जो होना चाहिए। इसलिए अगर आदमी चाहता है कि ईमान पुख्ता हो, ईमान में मजबूती हो, और ईमान जो है अपना नतीजा दिखलाए, तो कुरान पाक से हमें अपना ताल्लुक जोड़ना चाहिए। शिर्क को अच्छी तरह समझना, शिर्क की मजम्मत को, दुनिया में शिर्क के मजर्रात को, और शिर्क की हिलाकत खेजियों और तबाहकारियों को दुनिया में देखना है, जो दुनिया में है, या इसी तरह से जो आखिरत में, वो सब समझ में आएंगी कुरान पाक पढ़ने से, कुरान पाक समझने से, कुरान पाक सुनने से, कुरान पाक से अपना ताल्लुक जोड़ने से।